Jay Farner here, CEO of Rocket Mortgage and Rocket Companies. Last year, we saw historically low mortgage interest rates. What you may not know is that interest rates are already starting to increase, and it's likely that trend is only going to continue. Our team of experts is standing by to help you save before rates go up. Don't look back and wish that you had taken action. Call 833-8-ROCKET or visit rocketmortgage.com. Rocket. Call for cost information and conditions. Equal housing lender license in all 50 states and MLSconsumeraccess.org number 3030. नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि सनेश्वरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि सनेश्वरं। संज्ञा और छाया। पुराणों में भगवान सूर्य को सारे जगत का आधार माना गया है, वही परम सत्ता है। माना जाता है कि भगवान सूर्य कश्यप के पुत्र हैं और सूर्य की माता का नाम अदिति है। माता का नाम अदिति होने से ही सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। कथा है कि एक बार दैत्य और दानवों ने मिलकर एक भयानक युद्ध में देवताओं को हरा दिया। इसके बाद देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ छिपने लगे। देव माता अदिति देवताओं की इस दशा से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। उन्हें उपासना करते हुए बरसों बीत गए। तब एक दिन भगवान सूर्य ने अदिति को दर्शन दिए। देवी अदिति ने उन्हें प्रणाम करके अपना दुख कह सुनाया कि हे प्रभु, दैत्यों और दानवों ने हम देवों का जीवन संकट में डाल दिया है, अब आप ही हमारे कष्ट हर सकते हैं। इस पर भगवान सूर्य अदिति से बोले, देवी अब चिंता छोड़ दो, मैं अपने हजारवें अंश से तुम्हारे गर्भ से बालक के रूप में जन्म लूंगा, वही बालक तुम्हारे सारे दुखों का अंत करेगा। इसके कुछ ही समय बाद भगवान सूर्य के आशीर्वाद से देवी अदिति गर्भवती हुई। पुत्र के गर्भ में आते ही अदिति उसकी मंगल कामना के लिए कई व्रत और उपासना करने लगी। इससे उनके पति कश्यप परेशान होकर उनसे बोले, देवी ये आप क्या कर रही हैं? आपके ऐसे कठिन उपवासों से आपके गर्भ पर असर पड़ सकता है। तो उसके जवाब में अदिति बोली, स्वामी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे गर्भ में स्वयं भगवान सूर्य का प्रसाद है, इसलिए ये अविनाशी है। इसके बाद अदिति के गर्भ से जन्म लेकर सूर्य देवताओं के नायक बने और उन्होंने भयानक युद्ध में देव शत्रु दानवों का नाश कर देवी अदिति को दिया हुआ अपना वचन निभाया। इसके बाद देवताओं ने मिलकर अपने नायक सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से कराया। संज्ञा के गर्भ से 3 संतानें जन्मी। ये संतानें थी वैवास्वत मनु, यम और यमी। पर संज्ञा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वो सूर्य देव के तेज को ही सहन नहीं कर पाती थी। पर सूर्य देव के इस तेज से तो सारे जीव जंतु जीवन पाते हैं, तो वो इसे कम कैसे कर सकते थे। इसलिए संज्ञा ने सूर्य देव के तेज से अपनी रक्षा के लिए अपनी छाया को जन्म दिया और उस छाया को आदेश दिया कि वो उनके पति की सेवा के साथ साथ उनके बच्चों का पालन पोषण भी करें। संज्ञा की इसी छाया से शनि देव का जन्म हुआ।